वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाराणसी। ये जम्मू तवी एक्सप्रेस ये ट्रेन है, इसी ट्रेन से हम यहाँ तक आए हैं। ट्रेन से उतरकर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ लोग पार्सल का सामान अपना उतार रहे हैं। साथ ही यहाँ ज़बरदस्त कोहरा है और मुझे लग रहा है कि आज मौसम खुलेगी भी नहीं। पिछली बार कुछ साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि बहुत बारिश हुई है, और इस बार लग रहा है कड़ाके की ठंड है। अभी ट्रेन के बाहर खाली खाली दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत सारे लोग थे। मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो कुछ वीडियोस फ़ोटो मैंने यहाँ क्लिक किए थे, वो भी मैं इस वीडियो में डाल दिया हूँ। ये मैं पिछली बार आया हूँ तब के ये क्लियर फ़ोटोज़ मिलेंगे आगे। जंक्शन के पास कुछ इस तरह का नज़ारा है। पिछली बार जब मैं आया था तो ये सीढ़ी भी नहीं थी, नॉर्मल जो सीढ़ी होता है उसी सीढ़ी से हम उतर रहे थे। गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो इस सीढ़ी में चढ़ने उतरने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो यहाँ से उतरकर हम फाइनली गंगा घाट की ओर जाएंगे। रास्ते में मुझे ये पिक्चर दिखी थी पिछले साल चंद्रशेखर आज़ाद जी की, और यहाँ कोहरा आप देख सकते हैं। जैसे हम घाट के लिए अंदर गली में इंटर की वैसे ही बहुत सा कोहरा दिखा, और साथ ही राम मंदिर इनॉग्रेशन की खुशी में लोगों ने पूरी तरह से बनारस की नगरी को डेकोरेट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनारस से ही चुनाव जीते हैं। बनारस और काशी भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। तो अभी हम चलेंगे गंगा घाट। गंगा घाट की ओर आप जाएंगे तो आपको घाट पर पुराने मंदिर तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको गली में दोनों साइड से छोटे मोटे मंदिर मिलेंगे। और मौसम कैसा भी हो, ठंडा गर्मी बरसात, लोग यहाँ पे आते रहते हैं। इनका धार्मिक काम और अनुष्ठान सालों भर चलता है। हर एक स्टेट से इंडियन टू इंडियन फॉरेनर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आप जब आएंगे यहाँ तो इस गली में आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे रात में रहने के लिए, आप चाहो तो उसमें रुक सकते हो। बनारस काशी हिंदुओं के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट में से है। ये मंदिर जो आप देख रहे हो जिसमें ये मूर्तियाँ लगी हुई है, इन मूर्तियों को मैंने पिछले बार भी देखा था, लेकिन पिछले बार थोड़ी क्लियर दिख रही थी क्योंकि अभी कोहरे का समय है, सुबह भी अच्छा से हुआ भी नहीं है। वीडियो में आपको जो कुछ भी पूरा क्लियर दिख रहा है वो पिछले साल का है, ये फ़ोटो भी पिछले साल की है। पिछले बार जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कुछ फॉरेनर भी यहाँ पर दिखे थे, इस साल वो मुझे फॉरेनर नहीं मिले। यह है मिस्टर जॉन। बहुत कड़ाके की बारिश होने के बाद भी देखिए यहाँ पे इतने लोग हैं दोस्तों, और भी लोग बहुत दिन भर आते रहते हैं। ये सुबह सुबह का समय है, सुबह से ही लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान में लग जाते हैं। तो गंगा स्नान करना होता है, अस्थियों को लेके आया होता है, और कोई पूजा पाठ भी करता है। कड़ाके की ठंड है और साथ ही सुबह सुबह का समय है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है दोस्तों, लेकिन जब गंगा स्नान हो रहा होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक जैपनीज लोगों का ग्रुप गुजरा, उसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों लोग थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि पिक्चर में अभी मैंने आपको दिखाया वो दोनों फॉरेनर लड़के थे। यहाँ आपको आपके उपयोग में आने वाला सब कुछ मिलेगा दोस्तों, सुबह के वॉशरूम दातून से लेकर के नहा के धार्मिक अनुष्ठान करने से लेकर खाने पीने सब चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगा। अगर आप यहाँ घूमने के पर्सपेक्टिव से आते हो तो आपके लिए अप्रैल और जुलाई का महीना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ठंड के बारे में मैंने जब यहाँ के लोगों से बात किया तो वो कह रहे थे कि यहाँ के लोग कह रहे थे कि ठंडी नहीं पड़ रही है, ठंडी नहीं पड़ रही है। अब इतनी ठंड पड़ रही है कि हालात ख़राब है सभी के। तो अब हम यहाँ गंगा घाट को घूम चुके हैं और हम यहाँ से अब वापस जा रहे हैं। इसी गेट से हमने यहाँ पे एंट्री करी थी और अभी इसी गेट से हमें यहाँ वापस जाना है। रास्ते में ये देखो बड़ा बड़ा सा रोड लेके रिक्शा वाले जा रहे हैं। हमें जाना है घर, तो अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन को यहाँ लोग कैंट भी कहते हैं। ऑटो से उतरकर घाट तक जाने में आपको लगभग 500 से 800 मीटर का सफ़र तय करना होगा। आधा किलोमीटर आप मोटा मोटी मान के चलो। अगर आप पैदल नहीं जा सकते हैं तो आप ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं, रिक्शा। पूजा से संबंधित जो आप सामग्री लोगे, जिस दुकान में लोगे, उस दुकान में आप अपने सामान और जूते चप्पल को खोल सकते हैं।
तो अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। कोहरे के कारण जो गाड़ी हमने पकड़ा वो लोकल ट्रेन थी, और कोहरे के कारण वो ट्रेन लेट चल रही थी, इसलिए अब हम जाएंगे मुगल सराय, जिसका कि नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, लेकिन कोहरा अभी भी ज़बरदस्त है, और यहां से ट्रेन बैठ के हम वापस आएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।